तो अभी तक जो आपने पढ़ा था वो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था, आज जो पढ़ने जा रहे हो एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हो। आज एंड होने वाला है इस टॉपिक का, चैप्टर एंड हो चुका है लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन। तो जब भी एप्लीकेशन जब क्वेश्चन आते हैं 3 to 4 वैरायटी क्वेश्चन है, उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक डीके है, तो डीके में क्या होता है कि कम होता है, जैसे पॉपुलेशन का जब आएगा क्वेश्चन आराम समझ में, उसमें क्या होता है पॉपुलेशन इंक्रीज करता है। फिर हाफ लाइफ का आएगा क्वेश्चन, मतलब हर टाइप का हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आपको कैसे करना है कि पहले देखना है कि आपको क्वेश्चन को समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे क्वेश्चन को आपको मैथमेटिकल फॉर्म में आ रहा है कि नहीं, इधर देखो ध्यान, बोर्ड पे ध्यान देना जब भी मैं पढ़ा रहा हूं। तो जब भी जैसे पहला ये दिया हुआ है कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन कल्चर इंक्रीज विद टाइम, इट मींस देयर इज अ ग्रोथ इन द नंबर ऑफ बैक्टीरिया। आ रहा है समझ में? जब ग्रोथ हो तो क्या करना है, के पॉजिटिव होता है यहां पे। तो जैसे कोई भी टाइम पे पॉपुलेशन अगर पी है, आ रहा है समझ में, तो जो ग्रोथ है इसका रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसको आप डिफ्रेंशिएशन बोलते हो। डिफ्रेंशिएशन जब भी हम पढ़ा रहे थे तो मैंने बताया था व्हाट इज डिफ्रेंशिएशन, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो अब यहाँ पे पॉपुलेशन कोई किसी टाइम पे पी है, तो इसीलिए डीपी बाई डीटी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हो आप, तो वहां पे एक कॉन्स्टेंट को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो आप क्या लिखते हो, केपी लिखते हो। फिर से मैंने बताया था कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो वही कहानी, वेरिएबल सेपरेबल। तो वेरिएबल सेपरेबल में हम क्या करेंगे, यहां पे डीपी लिख दो, यहां पे डीटी है, और यहां पे क्या लिख दोगे, यहां पे आ जाएगा 1/p, और यहां पे के डीटी, और इंटीग्रेट कर देंगे तो यहां पे आएगा लॉग पी, और यहां पे आएगा के टी प्लस सी। आ रहा समझ में? अब बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि इसके बाद सर समझ में नहीं आता है, हम करें तो करें क्या। आ रहा समझ में? तो इसमें करना कैसे है कि जैसे लॉग पी क्वेश्चंस भी हम लोग करने वाले हैं, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। के टी प्लस सी वन लिख दिया यहां पर। आ रहा समझ में? तो यहां पे अगर बेस में कुछ भी नहीं दिया है रहे, तो आपको क्या एज्यूम करना है कि बेस क्या ई है, तो इसलिए पी जब लिखोगे तो यहां पे आ जाएगा ई का पावर के टी प्लस सी वन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पी इज इक्वल टू ई का पावर के टी इंटू ई का पावर सी वन। लेकिन हम लोग जो है बहुत ही एडवांस आदमी है हम लोग, आ रहे समझ में, हम लोग डेवलप्ड कंट्री बनने जा रहे हैं। अब ओके को लोग लिखता है के, तो वैसे ही शॉर्ट फॉर्म में किसी आदमी को अगर तकलीफ हो रहा है तो इसको कॉन्स्टेंट ही तो है, तो इसलिए पी इज इक्वल टू क्या लिख दिया है, सी ई का पावर के टी ऐसे दे दिया है। अब हमारा जो मेन टारगेट है कि सर क्वेश्चन अप्लाई करके बताओ कि कैसे करना है। जब भी डीके का आएगा, डीके याद करो जो मैं बोल रहा हूं उसको दिमाग में बैठाओ, जब ग्रोथ हो रहा है यहां पे के का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, देखो यहां पे दिया है। जब डीके का बात आएगा तो उसमें क्या हो रहा है, पॉपुलेशन कम होता है, तो उसमें माइनस के लिखेंगे, इसलिए वहां पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबे आते हैं, आराम समझ में, बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया तो बड़े बड़े क्वेश्चन को आप छोटे छोटे बना सकते हो, ये आपके हाथ में। कैसे छोटे छोटे बनाओगे, क्वेश्चन को बहुत केयरफुली रीड करना है, पहले गिवन लिखना है, और जैसे क्वेश्चन में दिया रटने का बिल्कुल कोशिश नहीं करना है। आराम समझ में? जब मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, कोई मेरा प्रिपरेशन नहीं रहता ऐसे, प्रिपरेशन इन द सेंस कि मैं ऐसे नहीं कि मैं क्या बोलना है मुझे, कैसे सिक्वेंस रहेगा, कौन टॉपिक पढ़ाता है, आप देखो जो भी टॉपिक बोलते हो वो कैसे कि वैसे आपको जाना है, आपको डरना नहीं है। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हो, जब पढ़ने जा रहे हो, तो आपको कंसेप्ट माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए, सारे क्वेश्चन स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं। और जब वैसे सिक्वेंस वाइज बनाना स्टार्ट करोगे तो चैप्टर खत्म हो गया, देखा जाए तो एप्लीकेशन तो खत्म हो गया, लेकिन इसको हमको चेक करना है कि हम कैसे सॉल्व करना है, कैसे हम लोगों को अप्लाई करना है, उस एप्लीकेशन के लिए हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम भी क्या करते हैं, डरने वाले तो नहीं है हम लोग, आ रहे हैं समझ में, हम लोग डरने वाले नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन एक लेते हैं, आपके आपके बुक का क्वेश्चन है, ऐसा एक क्वेश्चन लिया और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख दो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लिखो आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आहे, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट। आ रहा है समझ में?
जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपके दिमाग चकराने लगते हैं क्या? नहीं चकराता है, ठीक है। अगर चकराने भी लगे तो सोचना कि अब हमको चकराएगा नहीं, क्योंकि हमको करना है क्वेश्चनों को आसान। क्वेश्चनों को आसान कैसे करना है? तो सबसे पहले एज्यूम करेंगे, मैंने पहले भी बताया था कि लेट स्टार्ट यहां से करेंगे, लेट पॉपुलेशन पॉपुलेशन पी एट टाइम टी पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन टी इंक्रीज हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। सो अभी हमने क्या बताया कि डीपी बाई डी टी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी होगा, टाइम के साथ बढ़ रहा है, आ रहा है समझ में। और फिर से हमने बताया कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी साइन हटाते हैं ना, एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं, और ये जो के होता है हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है। फिर से वही कहानी, डीपी बाई पी को लेके आओगे, यहां पे लिखोगे के डी टी, और जब सॉल्व करते हैं तो इसको इंटीग्रेट करोगे, लिखोगे लॉग पी, यहां पे लिखोगे लॉग के टी। लॉग नहीं लिखेंगे भाई, कुछ भी मत बोलो, जो मैं बोल रहा हूँ कि जो मत बोलो, के टी प्लस सी लिखोगे। फिर पी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ई के टी सी, सी वन या सी लिखो। अब यहाँ पे और क्या लिख सकते हो, पी इज इक्वल टू सी ई के टी, अगर सी वन लिखा हुआ है तो ये आ गया। ऑलरेडी हमने यहां तक समझा दिया है, आ रहा है समझ में। या ज्यादा अगर आपको दिक्कत हो रहा है जैसे इसको, तो आप जैसे यहाँ पे ए भी ले सकते हो, क्योंकि बुक में आपके ए लिया हुआ है। इसका मीनिंग क्या है, अगर आप इसको और सॉल्व करते तो ई का पावर के टी इंटू ई का पावर सी वन लिखते, इसको हमने ए ले लिया है, ठीक है। अब यहां से होता है आपका क्वेश्चंस का स्टार्ट, आ रहा है समझ में। क्वेश्चन का स्टार्ट यहीं से करते हैं। देखो इधर फोन ऑन नहीं लेना है, सबको भूल जाना है, केवल क्वेश्चन याद रखना है, तभी क्वेश्चन आपको याद रखेगा एग्जामिनेशन टाइम में, आ रहा है। पांच मिनट बैठे नहीं, पेशेंस चला जाता है। मैथ्स बिना पेशेंस और बिना मेहनत के आ नहीं सकता है। एम फॉर मेहनत, एम फॉर मैथ्स, एम फॉर मैनेजमेंट, एम फॉर माइंड, आ रहा है समझ में। तो ये सब आना चाहिए। तो अभी 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 हम क्या करने वाले हैं, देखो आप, पॉपुलेशन क्या हो रहा है, 40,000 से 60,000 हो रहा है। थोड़ा क्वेश्चनों के साथ खेलते हैं हम लोग। पहले कैसे था, 40,000 था, अब बढ़ के कितना हो गया है, 60,000। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। इनिशियली में हमारा 40,000 था, अब कितना हो गया है, 60,000। इसके लिए टाइम कितना था, जीरो, वहीं से स्टार्ट किए थे। अब एक कब था, 40 इयर्स में। अब फिर से क्या हो रहा है, 20 इयर्स बाद क्या होने वाला है, मतलब 60 इयर्स बाद, यहां से 60 इयर्स बाद है ना। तो कैसे फाइंड करोगे, मुझे लिखना है यहां पे। देखो अभी तक हमने जो एक्सप्रेशन लाया है ए ई के टी, ठीक है, यहां पे क्या करना है मुझे, पी 40,000 है, ये 40,000 है, और क्या करने वाले हो, ए को ए रहने दो, क्या करेंगे, ए को ए रहने देंगे। टाइम यहां पे जीरो है, तो ई का पावर जीरो क्या आ जाता है, वन आ जाता है, मतलब ए हमारा क्या आ गया, 40,000। चलो एक काम तो हो गया, ये कांस्टेंट है, वही जो ई का पावर सी वन था उसको मैंने ए लिख दिया है, आ रहा है समझ में। इसको यहां से, किसी को डाउट है भाई बताओ, आप लोग किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग, आ रहा है समझ में। अब हमारा जो इक्वेशन ऐसे बन गया, 40,000 ई का पावर के टी। अब पी क्या हो जा रहा है, 60,000 हो जा रहा है, हो रहा है कि नहीं, ये मैं नहीं बोल रहा, आपका क्वेश्चन बोल रहा है। मेरे पास ऐसा रहता 60-40 तो मैं तो कुछ भी कर देता, फिर पूरा संसार बैक्टीरिया से भर देता। लो भाई लड़ लो आपस में, बैक्टीरिया ही प्रधानमंत्री होता, वही राष्ट्रपति, वही सब, उसी का देश चलता, हम लोग बस खत्म। यहाँ पे देखो 40,000 हमने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे के और टी क्या लिखोगे, 40। तो यहाँ पे ऐसे किया हमने, देखो 3/2 आ गया ई का पावर 40 के, ठीक है। अब कैसे और सॉल्व करेंगे, अब देखो क्वेश्चंस को यहीं पे छोड़ दो, मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ दो, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे,
थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे, थोड़ा सा दिमाग के साथ मस्ती करेंगे, कुश्ती करेंगे, क्योंकि अगर जाएंगे हम के का एग्जैक्ट वैल्यू निकालने तो हो सकता है हमसे धोखा, हो सकता है हमसे गलती, हो सकता है हमारा टाइम मैनेजमेंट गलत, क्योंकि हमको टाइम के साथ करना है। तो आप यहीं पे छोड़ दो। अब क्या है, टू फाइल जो हमारा था, फाइल क्या करना है, पी आफ्टर 20 इयर्स, 40 इयर्स के बाद 20, मतलब टाइम कितना हो गया, पी आफ्टर क्या निकालना है हम लोग को, 60 इयर्स। आ रहा समझ में कि नहीं, पी आफ्टर 20 इयर्स दिया तो 40 के बाद दिया है, तो इसलिए अब यहां पे क्या पी निकालना है, तो पी लिख दो यहां पे, 40,000 लिख देंगे हम लोग भगवान की दया से। ई का पावर क्या लिखोगे, 60t, क्या क्या यहां पे देखो ना, ई का पावर, ई का पावर हम क्या कितना लिख रहे हैं, के को के रहने दो, 60t आ गया, नहीं नहीं 60k यहां पे। अब हमारा कुछ खेल में मजा आने वाला है, खेल में अब क्या होने वाला है, मजा आने वाला है। तो कैसे करोगे सॉल्व, आ रहे समझ में, देखो आप, अब इसको 40 के फॉर्म में हमको लिखना है, तो कैसे लिख सकते हैं, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, काफी इंपॉर्टेंट स्टेप, काफी इंपॉर्टेंट स्टेप कि मुझे इसका यूज करना है, देख रहे हो कि नहीं। तो आप अगर यहां पे 40,000 e के पावर, यहां पे 40k लिखते हो, 40k, और यहां पे 3/2 लिखते हो, तो चलेगा क्या, क्योंकि 220 हो जाएगा और फिर से 3 से मल्टीप्लाई करोगे 60। इससे फायदा क्या हो रहा है कि डायरेक्ट हम यहां पे वैल्यू यूज कर रहे हैं इसका, मतलब 40,000 इंटू एक, ये क्या आ जाएगा, 3/2 का पावर 3/2, ऐसे आ रहा है क्या समझ में, कि कुछ डाउट है तो ऐसा है, ये क्या हो जाएगा, इयर्स हो जाएगा। और भी आपको सॉल्व करना है, और भी आपको सॉल्व करना है, ये देखो आप, आपको और भी सॉल्व करना है, तो आप यहां पे लिख सकते हो 40,000, ठीक है, और 3/2, मतलब ये 3/2 जो दिया है, इंटू 3/2 इंटू 3√3/2 लिख सकते हो कि नहीं, क्योंकि देखो आप x का पावर अगर 3/2 दिया है, तो इसको आप लिख सकते हो x इंटू 1 एक्स का पावर 1/2, 1/2 को आप क्या लिख सकते हो, रूट एक्स। तो इसमें देखो ये 20 आ जाएगा, तो ये 60,000 आ गया, और √3/2 का वैल्यू दिया है 1.2247, आ रहा है समझ में, जिसका वैल्यू आएगा 73482। आपको भी अगर क्वेश्चन करोगे तो आपको भी याद आ जाएगा 734 कितना आएगा, 73482 इयर्स। अगर किसी को इसमें डाउट है तो बोल सकते हो, जस्ट जो दिया है वैसे स्टार्ट किया है। ये था हमारा टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 2 भी जरूर आपको सीक्वेंस वाइज देखना है। तब तक के लिए जय हिंद।